टेक्नोलॉजी जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सोकिया CX101 ये मशीन को अपन कैसे स्टेशन पॉइंट में सेट करके बैक साइड लेके ओरिएंटेशन सेट करते हैं। तो पहला मशीन ऑन होने के बाद इसका टिल्ट ऑप्शन आएगा और टिल्ट ऑप्शन को पहला 00 सेकंड के आसपास लेकर आना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी इसमें 00 सेकंड के आसपास लेकर आने के लिए फुट स्क्रू घुमा के उसको ठीक कर रहे हैं। अब ये 00 सेकंड के आसपास आने के बाद इसके नीचे से जो आईपीस दिया हुआ रहेगा वो आईपीस से अपन को देखना पड़ेगा जो पॉइंट के ऊपर ठीक ठाक ये बैठा है क्या नहीं। अभी वो ठीक ठाक बैठ गया, इसके लिए अपन लोग उसको ये दबा दिया, ओके दबा दिया। अभी इधर OBS ऑप्शन में जाएंगे। OBS ऑप्शन में जाने के बाद अपन पेज नंबर चेंज करेंगे, जैसे फंक्शन दबा के पेज नंबर चेंज करेंगे। पेज टू में जाने के बाद मेनू में जाएंगे, मेनू में जाने के बाद कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे। जैसे इधर कोऑर्डिनेट्स आ गया, कोऑर्डिनेट्स में एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद OCC ओरिएंटेशन में जाएंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद इधर अपन स्क्रीन पे भी इसका पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग को एडिट कर सकते हैं, या पहले से सेव हुआ रहेगा तो वो सेव किया हुआ पॉइंट को अपन लेके आ सकते हैं। जैसे इधर लोड दबा के वो पॉइंट को लेके आएंगे, जैसे JK9 पॉइंट है तो JK9 पॉइंट को अपन लोग इधर लेके आएंगे। आप लोग देखते रहिए, जैसे इसको ऊपर लेके हम लोग JK9 पॉइंट को लेके आएंगे। JK9 पॉइंट आने के बाद उसको सिलेक्ट कर देंगे। अभी ऊपर लेके जा रहा हूँ, अभी JK9 पॉइंट आ गया। JK9 पॉइंट का आने के बाद उसको एंटर दबा दिया। एंटर दबाने के बाद उसको कोऑर्डिनेट हम लोग देख लेंगे, हाँ कोऑर्डिनेट सही है। इसके बाद अपन चला जाएंगे BSNEZ, F3 में ऑप्शन है, तो बैक साइड का भी कोऑर्डिनेट इधर इनपुट कर सकता है, या पहले से सेव हुआ रहेगा तो इधर भी देख सकते हैं। तो पहले से सेव हुआ है, JK7 है, तो JK7 पॉइंट को हम लोग एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद ओके दबा देंगे। ओके दबाने के बाद ये मशीन को घुमा के जो बैक साइड में जो जहाँ पर प्रिज्म पकड़ा है वो पॉइंट को ठीक ठाक टारगेट करके, एकदम प्रॉपरली टारगेट करके मेज़र दबाएंगे। मेज़र दबाने के बाद इसका जो डिस्टेंस है दोनों में, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिखाएगा। जैसे इधर दिखा रहा है कैलकुलेशन HD 100.022, उसके बाद ओके दबा देंगे, मशीन सेट हो गया है। अभी ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, ऑब्जर्वेशन में जाने के बाद मेजर करके देखेंगे वो पुराना पॉइंट का कोऑर्डिनेट के साथ ये कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है क्या। अभी ये कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है तो ये सही है। अभी हम लोग चला जाएंगे इसका प्रिज्म को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे इधर दिखा रहा है फाइन आर दिखा रहा है, फाइन एवरेज दिखा रहा है, फाइन एज दिखा रहा है, उसके बाद फाइन एवरेज और भी बहुत सारा कुछ ऑप्शन दिखा रहा है। इधर प्रिज्म का ऑप्शन दिखा रहा है, उसके बाद ये प्रिज्म का कॉन्स्टेंट दिखा रहा है, प्रिज्म कॉन्स्टेंट -30 है, फिर उसके बाद लेज़र है और गाइड लाइट कौन सा है वो दिखा रहा है। इसके साथ बहुत सारा सेटिंग है, जैसे 37 डिग्री ये है। मशीन अभी सेट हो गया, अभी कोई भी पॉइंट को टारगेट करके उसका मेजर करके उसका कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। अभी देखेंगे मशीन में कैसे पॉइंट अपन लोग सेव कर सकते हैं। जैसे पहले अपन लोग डाटा में क्लिक किया, डाटा के बाद नॉन डाटा में चलाएंगे। नॉन डाटा में चला जाने के बाद की इन कोऑर्डिनेट में एंटर किया। एंटर करने के बाद इधर ईस्टिंग, नॉर्थिंग और जेड, ये तीनों पॉइंट को पुट करना, तीनों वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। जैसे ईस्टिंग में कोई भी वैल्यू पुट कर दिया, पुट करने के बाद उसके बाद नॉर्थिंग में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। नॉर्थिंग में वैल्यू पुट करने के बाद उसका अगर जेड वैल्यू मतलब RL वैल्यू कुछ रहेगा तो RL वैल्यू पुट करके उसको एंटर करके फिर अपन उसका पॉइंट का नाम देके सेव कर सकते हैं। देखिए ये पूरा प्रोसेस ऐसे आपके सामने किया जा रहा है, फिर उसके बाद ओके दबा के उसको पॉइंट को सेव हो जाएगा पॉइंट का नाम देके। तो इधर जैसे अपन लोगों ने JK9 पॉइंट का नाम दिया, अभी यस किया तो ओवरराइट का ऑप्शन है क्योंकि पहले से ये पॉइंट सेव हुआ था। अभी JK10 बोल के पॉइंट को सेव कर रहा है, इसमें भी कोऑर्डिनेट चेंज करने के बाद सेव करने का ऑप्शन दबाएंगे। फिर अभी उसका RL भी चेंज करेंगे, RL चेंज करने के बाद ये पॉइंट पुट किया जा रहा है, इसका RL पुट किया जा रहा है। RL पुट करने के बाद इसको ओके दबा के सेव किया जाएगा। ओके दबा के सेव कर दिया तो इधर ओवरराइट का ऑप्शन है क्योंकि पहले से ये पॉइंट सेव हुआ था, तो उसको अपन लोग ओवरराइट कर दिए। अभी इधर अपन जाएंगे स्टेक आउट कैसे करना है। तो स्टेक आउट करने के लिए पहले, अगर पहले से आपका कोऑर्डिनेट सेव हुआ रहेगा तो उसको लोड दबा के वही पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे K3 पॉइंट पहले से ही है तो K3 पॉइंट को हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ओके दबा दिया। ओके दबाने के बाद वो मशीन को उतना डिग्री घुमा के वो पॉइंट के एकदम सीधा सीधा करना पड़ेगा। जैसे ये डिग्री को हम लोग घुमा रहे हैं, घुमा के
जब वो 0-0 आ जाएगा उस तरफ पिजम पकड़ के अपन लोगों को मेजर करना पड़ेगा। तो इधर ऐसा घुमाया जा रहा है, घुमाने के बाद जब 0-0 आएगा, डिग्री मिनट सेकंड तीनों 0-0 आ जाएगा, तब उसको मेजर करना पड़ेगा। तो उस तरफ 0-0 आ गया, 0-0 करने के बाद क्रॉस एयर के सीधा सीधा पिजम पकड़ के मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के बाद डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, जैसे इधर 1 mm का डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से और एक बार देख लेंगे जो मशीन में पॉइंट कैसे सेव होता है। उसके लिए डाटा को क्लिक किया, डाटा क्लिक करने के बाद नोन डाटा में गया, एंटर दबाया कि इन कोऑर्डिनेट में जाना है, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद ईस्टिंग में ईस्टिंग वैल्यू को पुट करना है, नॉर्थिंग में नॉर्थिंग वैल्यू को पुट करना है, और जेड में आरएल वैल्यू को पुट करना है। जैसे इधर कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट का ईस्टिंग और नॉर्थिंग वैल्यू ये सब कुछ पुट किया जा रहा है, आप लोग देखते रहिए। उसके बाद लास्ट में लेवल आरएल वैल्यू इनपुट करने के बाद, या आरएल नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अपन कोऑर्डिनेट वैल्यू इनपुट करने के बाद उसका लास्ट में पॉइंट का नाम देके उसमें सेव कर देंगे। इसमें अभी पुट हो रहा है, आप लोग देखते रहिए। इसमें ईस्टिंग नॉर्थिंग और जेड वैल्यू पुट हो गया। अभी पॉइंट का नाम देंगे, पॉइंट का नाम हम लोग सपोज ए देने के बाद सेव कर देंगे।